नहीं लगे। तो अभी एग्जैक्टली सुबह 7:05 बज चुके हैं, क्योंकि मैं ऊपर आया था 7 बजे और मैं ऊपर आके जैसे देखा कि यहाँ का सीन ऐसा है तो हो गया लिटल अभी 7:03 हो गया है। तो 3 मिनट तो मैंने पहले इधर घूम घूम के निकाल दिया। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं जो ऊपर आया ना तो यहाँ का सीन देख के मैं चौंक गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फॉग आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा वाइट वाइट चारों तरफ हो गया होगा। सो एग्जैक्टली आज संडे था और ऐसे मार्ग पे घूमना चाहिए था, बट मैं नहीं घूम रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और वो प्रॉब्लम है कि मेरे बाइक से जो इंजन का ऑयल था वो ख़त्म हो गया है, पता नहीं कैसे। मैंने 2 दिन पहले ही मतलब बेगड़ेवाड़ी गया था, वहाँ पे मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ था। देन उसके बाद मैं थोड़ा लोकल एरिया में घूम रहा था तो मुझे वहाँ पर मतलब इंजन से जलने का बदबू आने लगा। तो फिर मुझे लगा क्या हुआ, कुछ तो इश्यू हुआ है या फिर कुछ वायर ऐसे जलता नहीं गया। तो फिर उसके बाद को कुछ पता नहीं चला। फिर एक भैया ने बोला कि एक बार इंजन ऑयल चेक कर, तो मैंने इंजन ऑयल चेक किया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोचा भाई जाने दो। मैंने 1-2 वीडियो देखा है जिसमें इंजन ऑयल कम रहता है तो वो इंजन सीज होता है, और मैं ये तो नहीं कर सकता कि मतलब इतना तो लापरवाही नहीं कर सकता कि मेरा इंजन सीज हो जाए, ऊपर से इतना खर्चा हो कि मेरा वाट लग जाएगा पूरा। तो सीन ऐसा है कि मुझे अभी आज संडे है और सर्विस सेंटर लेके जाना होगा। जब तक सर्विस नहीं होगा, मतलब मेरा फर्स्ट सर्विसिंग तो हो ही गया है, सेकंड भी हो गया है, इनफिनिट 3rd होगा। और अभी 1 महीना बचा है मेरा 1 साल कंप्लीट होने के लिए बाइक को, मतलब देखते देखते 1 साल पूरा पार होने वाला है। एंड सो ये जो 3rd सर्विसिंग आई डोंट नो आज होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कल कॉल करके पूछा था कि हो पाए कि नहीं, तो वो बोले कि 4 बजे लेके आ जाओ। मैंने हाँ बोला था, फिर सोचा कि जाने दो कौन इतना लेके जाएगा, सुबह ही लेके जाता हूँ, 1-2 थोड़ा वीडियो भी बना लूँगा अच्छे। सो तो अभी 7 बजा है, इनफेक्ट मेरे पास अभी 1-2 घंटा है, मैं 9 बजे निकलने वाला हूँ सर्विस करने के लिए। सो फ़िलहाल मैं आप लोग का भी दिखाता हूँ कि इंजन में क्या प्रॉब्लम हुआ है, मतलब बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। आपको चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इंजन में कितना अमाउंट का ऑयल है। सो फ़िलहाल मैं नीचे पहुँच चुका हूँ और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरे इंजन में कितना ऑयल था। सो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ। सो ये देख रहे हो, मतलब ये बिल्कुल पूरा वाइट हो गया है, तो मतलब देखा है तो बस नाम के बराबर ही इसमें इंजन ऑयल बचा है। तो फिलहाल इसके अंदर तो मैं अभी डालने वाला हूँ ये जो उर्थ का इंजन फ्लशर है, मतलब जो इंजन को क्लीन करने के लिए बेटर हेल्प करता है। मतलब ऑयल निकाल देना तो वो क्लीन ही नहीं होता है, बस ऑयल वो लोग निकाल दिया, रिप्लेस कर दें दूसरा नया ऑयल डाल के, बट इंजन को क्लीन करने के लिए थोड़ा मदद करता है। इनफैक्ट मैं जब वो राइडिंग गियर लिया था तो उस टाइम मेरे को ये मिला था। तो चलिए इसको मैं अंदर डालता हूँ। टाइट है थोड़ा ये। तो मैंने इसको डाल दिया है। अब इस डब्बा को मैं यहाँ पे साइड पर रख देता हूँ, आने के बाद इसको फेंक देंगे डस्टबिन में, बाहर नहीं फेंकेंगे। सो अभी मैं निकलता हूँ सर्विस सेंटर की तरफ और देखता हूँ वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ बाधाएं ना सृष्टि हो जाए मेरे लिए। सो बाय बाय, डायरेक्ट आपको मिलते हैं रास्ते पे। और ये गाड़ी का क्लीनिंग होने के बाद ऐसा हाल है। इसके बाद इसके ऊपर काम होगा, सर्विसिंग होगा। यार क्लीन करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो ये ऑटोमेटिक फिर से गीला हो जाएगा बहुत जल्दी। मतलब गीला तो ऐसे ही होगा, मतलब कीचड़ हो जाएगा। तो फिर भी चलो कर दिया। सो फाइनली तो थर्ड सर्विसिंग कंप्लीट हो गया है। एंड इनफैक्ट मैं अभी रूम को भी गाड़ी लेके आ गया हूँ। तो ये है गाड़ी, चैन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। मतलब आप देख सकते हैं पूरा क्लीन। चलो ये चीज़ तो मेरे को बहुत खुश लगा कि चैन बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है। एंड जो वॉशिंग किया ना, तो वॉशिंग भी बहुत अच्छा हुआ था। तो फिलहाल मेन चीज़ वो नहीं है। मेन चीज़ वो है कि मुझे दो चीज़ बहुत खुश लगा देख के। और सबसे पहला चीज़ है कि मेरा इंजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब थ्रोटल रिस्पॉन्स तो मानना ही पड़ेगा, और बहुत ही स्मूथनेस लग रहा है इंजन का। देन सेकंड जो चीज़ मुझे खुश लगा वो है प्राइस। प्राइस कितना आया? 1844 रुपये, मतलब 1844 रुपीज़। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 2400 रुपीज़ तो जाएगा ही, बट इतना कम में हो गया। थर्ड सर्विसिंग मतलब मानना पड़ेगा। इनफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा ऑयल चेंज किए, ऑयल फिल्टर इतना कुछ, और बाकी जो अंदर का सब कुछ चेक किए। फिलहाल तो जाते वक्त मेरा क्या हुआ ना कि ABS फेलियर दिखाया। अचानक मैं चला रहा था, अप्रोक्स स्पीड था 20 के आसपास, तो स्टार्ट ऑफ हो गया। फिर क्लस्टर में दिखाया कि ABS फेलियर दिखाया। मैं तो पूरा चौंक गया, मुझे तो लगा लग गए मेरे। तो फिर से मैंने फटाफट इंजन को ऑफ किया, फिर से चालू किया, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाया। सो मेन जो चीज़ था वो है प्राइस बहुत कम में हो गया। चलो अच्छा है, और ऊपर से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है। और अभी मुझे लग रहा है कि माइलेज थोड़ा बेटर देगा, क्योंकि इंजन परफॉर्मेंस अगर बेटर देगा तो माइलेज भी बेटर मिलेगा। सो क्या क्या खर्चा हुआ है और क्या क्या मैंने लगाया पार्ट्स, वो सब मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि क्या क्या खर्चा हुआ है मुझे। सो फिलहाल तो आज के सफ़र में इतना ही। तो और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड एज यूजुअल आज के सफ़र में इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।